नमः शिवाय। आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। सोमवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। हमेशा बेचैन और चंचल चित रखने वाले लोगों के लिए यह व्रत विशेष फलदायी होता है। इस व्रत को करने वाले लोगों को जीवन में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता और सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। आप भी जानें इस सोम प्रदोष व्रत का महत्व और इसे करने की यह विधि। शास्त्रों में प्रदोष व्रत का खास महत्व बताया गया है और इस दिन व्रत करने के कई लाभ बताए गए हैं। सोमवार के दिन आने वाला प्रदोष सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। इसी तरह रविवार को आने वाला प्रदोष व्रत निरोग रखता है। वहीं जब प्रदोष मंगलवार को आता है तो वह रोगों से मुक्ति दिलाता है और जातक को सेहतमंद रखता है। बुधवार को आने वाला प्रदोष कामनाओं को सिद्ध करता है। गुरुवार के दिन जब प्रदोष व्रत आता है तो शत्रुओं का नाश करता है। शुक्रवार के दिन का प्रदोष व्रत सौभाग्य लेकर आता है और शनिवार के दिन का प्रदोष व्रत करने वाले जातकों को पुत्र की प्राप्ति होती है। प्रदोष काल दरअसल उस समय को कहते हैं जब सूर्यास्त हो गया हो लेकिन रात अभी नहीं आई हो, यानी सूर्यास्त के बाद और रात होने से पहले के बीच जो अवधि होती है उसे ही प्रदोष काल कहा जाता है। सोम प्रदोष व्रत के दिन इस समयावधि के दौरान यदि भगवान शंकर की विधिवत पूजा की जाती है तो वह सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सोम प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच की जाती है। ध्यान रहे कि यह व्रत निर्जला होता है, लेकिन अगर आप निर्जला व्रत नहीं रख सकते तो जल और फलाहार कर व्रत रख सकते हैं। यह है विधि। सुबह स्नान कर भगवान शंकर को बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत, धूप दीप आदि चढ़ाएं और पूजा करें। मन में व्रत रखने का संकल्प लें। शाम को एक बार फिर स्नान कर भोलेनाथ की पूजा करें और दीप जलाएं। शाम को प्रदोष व्रत कथा पढ़ें। यह कथा दूसरे को सुनाने का विशेष लाभ होता है। आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत कथा। एक नगर में एक ब्राह्मणी अकेली रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। पति के जाने के बाद उसका कोई सहारा नहीं बचा, इसलिए सुबह सुबह वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती। भिक्षाटन से जो कुछ मिलता था उससे वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। ब्राह्मणी नियम पूर्वक प्रदोष व्रत करती थी। एक दिन ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ जब घर लौट रही थी तो रास्ते में उसे एक लड़का घायल अवस्था में रास्ते पर गिरा पिला। ब्राह्मणी को दया आ गई और वह उसे अपने घर ले आई। दरअसल वह कोई मामूली लड़का नहीं था, वह विदर्भ राज्य का राजकुमार था। वह युद्ध में घायल हो गया था और शत्रुओं ने उसके पिता को बंदी बना लिया था। शत्रुओं के हाथों हारने के बाद वह यहाँ वहाँ मारा मारा फिर रहा था। वह ब्राह्मणी के घर में ही रहने लगा। राजकुमार बेहद खूबसूरत और आकर्षक था। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी
राजकुमार भाग गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी और उसके व्रत के प्रभाव से ही राजकुमार को गंधर्व की राजकुमारी अंशुमति मिली। गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन फिरते हैं। त्रयोदशी तिथि की व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए इसे प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन विधिवत भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष तिथि आने से उस तिथि को सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है और अगर मंगलवार के दिन प्रदोष तिथि है तो उसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। मान्यता है कि संतान प्राप्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सोम प्रदोष तिथि का व्रत करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि प्रदोष तिथि में भगवान शिव कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और उस समय सभी देवी देवता उनकी स्तुति करते हैं। सोम प्रदोष व्रत की पूजा से कुंडली में चंद्रमा समेत भी सभी ग्रह नक्षत्र शुभ प्रभाव देते हैं और इस व्रत के शुभ प्रभाव से सभी तरह की अड़चन दूर होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि सोम प्रदोष व्रत की कथा सुनने मात्र से गौदान के बराबर पुण्य फल मिलता है। दिन और रात्रि के मिलने को प्रदोष काल कहा जाता है, अर्थात सूर्यास्त हो रहा है और रात्रि शुरू हो रही है, उस काल को प्रदोष काल कहा जाता है। इसी समय भगवान शिव की पूजा करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है और हर दोष दूर होता है।